दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे जो खिलाड़ी कुमार है ना, यानी कि अक्षय कुमार है ना, उनका अभी तक पेट नहीं भरा है भाई रीमेक फिल्में कर कर के। उनका मंसूबा जो है वो अभी भी यही है कि भाई हम सुपर डुपर हिट फिल्मों का रीमेक ऑडियंस के बीच में लाएंगे और ऑडियंस से ये बात छुपाएंगे कि ये फिल्म रीमेक है और उस फिल्म से अपना फिल्मी करियर आगे बढ़ाएंगे। क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या? क्योंकि भाई खबरें कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं बॉलीवुड के गलियारों से। और भाई इस बार खिलाड़ी कुमार को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है, उसको सुनने के बाद तो भैया मैं पूरी तरह से पगला गया हूँ कि भैया इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म का रिमेक क्यों करने जा रहे हैं बॉलीवुड, जो कि भैया बॉलीवुड की ही फिल्म है और ये फिल्म तो हफ्ते में 4 बार किसी न किसी चैनल पर दिखाई जाती है। तो आप यही सवाल पूछेंगे कि भैया मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, किस फिल्म का रिमेक करने जा रहे खिलाड़ी कुमार? क्योंकि भैया कुछ दिनों पहले ही खिलाड़ी कुमार ने ये बात कहा था कि ना ना ना, मैं तो अब तौबा कर रहा हूँ, आज के बाद से मैं जनता को ओरिजिनल कंटेंट ही दिखाऊंगा। तो भाई ये खबर निकल के कहाँ से आई कि भैया गेंडा स्वामी की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया तिरंगा का रिमेक बनने जा रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक अजीब तरह का माहौल बन चुका है बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार को लेकर, यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार की आने वाली किसी भी नई फिल्म की जानकारी जैसे ही भैया उनके हेटर्स तक आती है कि भाई हेटर्स उनके खिलाफ खबरों का माया जाल बुनने लगते हैं और ये बात कहने लगते हैं कि भाई देखो ये खिलाड़ी एक और रिमेक फिल्म लेकर आने वाला है। हाल फिलहाल में ही खिलाड़ी कुमार को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई खिलाड़ी कुमार जो है वो औरों में कहां दम था कि प्रोड्यूसर के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं, यानी कि नरेंद्र हीरावत के साथ में खिलाड़ी कुमार एक फिल्म बनाने वाले हैं। और भाई जैसे ही नरेंद्र हीरावत के साथ में नाम जोड़ा खिलाड़ी कुमार का, कि उसके साथ ही खबर इस बात को लेकर फैल गई कि भैया कुछ दिन पहले ही नरेंद्र हीरावत ने भैया तिरंगा का राइट जो है वो खरीदा है, यानी कि वो इस फिल्म के राइट्स को खरीद चुके हैं और वो इस फिल्म को ध्यान में रखते हुए एक और फिल्म बनाएंगे, यानी कि इसी फिल्म से इंस्पायर्ड एक मूवी सिनेमा घरों में लेकर आएंगे, लेकिन उस फिल्म का नाम तिरंगा वो नहीं रख पाएंगे। यानी कि भैया तिरंगा का जो टाइटल राइट है ना, वो इस फिल्म यानी कि भैया जो तिरंगा सुपर डुपर हिट वाली तिरंगा थी ना, नाना पाटेकर और राजकुमार वाली, उसके प्रोड्यूसर के पास में है। तो भैया जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट तो खरीद पाए लेकिन तिरंगा का जो टाइटल राइट है वो नहीं खरीद पाए, जिसकी वजह से वो तिरंगा का रीमेक तो बनाएंगे लेकिन ओरिजिनल नाम के माध्यम से ही वो ये फिल्म सिनेमाघरों में लेकर नहीं आ पाएंगे। और भाई जैसे ही ये खबर हम लोगों के सामने आई तो हम तो आप लोगों से यही बात कहेंगे कि बाबू लगता है ना कि खिलाड़ी कुमार का दिमागवा जो है वो पूरी तरह से सटिया गया है और वो ऐसी फिल्में करने जा रहे हैं। यानी कि इस खबर को सुनने के बाद भैया खिलाड़ी कुमार के दीवाने भी ये सोच में पड़ गए थे कि भैया ऐसी बड़ी गलती क्यों करने जा रहे खिलाड़ी कुमार। तो भाई ये जो खबर फैली थी ना, बॉलीवुड हंगामा की तरफ से भी ये जानकारी आई थी ऐसी कि भैया उनको सूत्रों के माध्यम से ये बात पता चला है कि भैया नरेंद्र हीरावत जो हैं वो तिरंगा का रीमेक बनाएंगे और उसमें अक्षय कुमार नजर आएंगे और अक्षय कुमार को उनका कॉन्सेप्ट भी पसंद आ गया और उन्होंने हामी भी भर दी है। लेकिन अब इन खबरों का खंडन खुद नरेंद्र हीरावत ने कर दिया है कि अबे कहाँ से लेकर आते हो यार ऐसी खबरें, हैं किसने बताया कि मैं तिरंगा का रीमेक बनाने जा रहा हूँ और उस रीमेक में मैं अक्षय कुमार को लेने जा रहा हूँ और भाई उस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने हामी भी भर दी है, किसने बताया आप लोगों को? ये खबर जो है वो सरासर झूठी है। यानी कि भाई मैंने शुरू में ही ये बात कही थी ना कि भैया खिलाड़ी कुमार के खिलाफ इन दिनों खबरों का माया जाल कुछ इस कदर बुना जा रहा है कि भैया ये सुपरस्टार जो कि भैया हाल फिलहाल के सभी बड़े बड़े सुपरस्टारों को जिस तरह से चुनौती दे रहा है, तो भैया उसकी चुनौती को कमज़ोर करने के लिए ऐसी खबरें फैलाओ ताकि इस स्टार का मार्केट जो है वो डाउन हो जाए। तो भाई अब नरेंद्र हीरावत ने इस कहते ना भैया इस खबर का खंडन कर दिया, यानी कि ये जो झूठी खबर फैल रही थी खिलाड़ी कुमार के खिलाफ कि वो करने जा रहे हैं तिरंगा का रीमेक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र हीरावत ने ये बात क्लियर कर दी है कि हाँ उन्होंने अक्षय कुमार के साथ में एक फिल्म साइन की है और ये फिल्म जो है
वो टोटली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, कोई रीमेक नहीं है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से नरेंद्र हीरावत जो है वो अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो कि भैया पब्लिक के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण तैयार करेगी और इस फिल्म के माध्यम से पब्लिक का ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट होगा। तो भाई चलो फाइनली ये खबर हम लोगों के सामने आ गई और भाई अब खंडन खुद नरेंद्र हीरावत ने किया है, तो भैया हमें तो इस बात पर अब यकीन हो जाएगा कि भाई नरेंद्र हीरावत के दिमाग में अगर कहीं भी तिरंगा है ना, तो वो अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक के मूवमेंट को देखने के बाद वो ये बात समझ चुके होंगे कि भाई ओरिजिनल कंटेंट के माध्यम से ही हम ऑडियंस को जीत सकते हैं। तो चलिए ये अच्छी खबर हम लोग के सामने आ चुकी है कि भैया अक्षय कुमार के खिलाफ जो नेगेटिव खबरों का माया जाल बुना जा रहा था तिरंगा को ध्यान में रखकर, वो खबर झूठी है। अक्षय कुमार अब केवल ओरिजिनल कंटेंट ही सिनेमाघरों में लेकर आएंगे और ऐसे ही होना चाहिए ना। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर इंडक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।